हेलो दोस्तों, एमएस सिविल स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ कैसे पैसा कमा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को बजा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो आप सभी ने ऑटोकैड का नाम तो ज़रूर सुना होगा। तो ऑटोकैड आप पढ़े भी होंगे, चाहे फिर आप डिप्लोमा में हों या फिर डिग्री में। तो दोस्तों, अगर आप ये दोनों करके भी बाहर निकल चुके हैं और स्टूडेंट नहीं हैं और आप जॉब की खोज में हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने ऑटोकैड पे आपने बिल्डिंग ड्राइंग के नक्शे बनाए होंगे, तो उन नक्शों पर तो वो नक्शे को बनाने के लिए आपको कॉलेज की तरफ से ऑटोकैड सिखाया गया होगा। तो ऑटोकैड पे आप लोग थोड़ा बहुत नक्शा तो बना ही लेते होंगे, लेकिन अगर आप अच्छे से नक्शा बनाना जानते हैं और थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, या तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप उस नक्शे को बनाने के लिए या तो यूट्यूब से या तो फिर किसी भी ऑनलाइन स्टडी के द्वारा आप उस नक्शे को बनाना अच्छे से सीख लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि हम ऑटोकैड पे नक्शा बनाना इस प्रकार सीख लिया, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ऑनलाइन वर्क कैसे पाया जाए और पैसा कैसे कमाया जाए। तो दोस्तों, फर्स्ट हम बता दें कि ऑनलाइन वर्क पाने के लिए यहाँ पर आपको कुछ सबसे पहले एडवर्टाइज़ करना होगा, और एडवर्टाइज़ करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार का बैनर बनाना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे बैनर बनाया हुआ है और यहाँ पे इस लिखे हुए हैं कि घर का नक्शा बनाने के लिए संपर्क करें और वहाँ पर अपना एक या दो मोबाइल नंबर डाल दीजिए, और इसे आप अपने फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप एंड अदर सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्योंकि आप व्हाट्सअप, इंस्टा तो पर डे चलाते होंगे, तो पर डे आप इस बैनर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ। तो अब बात करते हैं कि जो भी क्लाइंट आपके पास फ़ोन करे उससे कैसे डील करें। तो फर्स्ट आप उससे पूछें कि आपको कितने बाई कितने का प्लॉट का नक्शा बनवाना है। अगर वो बोल दे जैसे 30x40 के प्लॉट का हमें नक्शा बनवाना है, तो उसके बाद आप उससे पूछिए कि आपको कितने बेडरूम की ज़रूरत है, ड्राइंग रूम या हॉल रूम की ज़रूरत है, स्टेयर कहाँ से रहेगी यानी कि सीढ़ी कहाँ से रहेगी, बाहर से या अंदर से। तो इन सबको, उन सब के बारे में उससे अच्छे से डिटेल ले लीजिए और एक नोट्स में नोट कर लीजिए। उसके बाद आप नक्शे को तैयार करके करने के बाद आप उस अपने क्लाइंट को फ़ोन करें और उससे कहें कि आपके घर का नक्शा तैयार हो चुका है और अब आप अपना पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद आप नक्शे को अपने क्लाइंट को पीडीएफ के रूप में उसके व्हाट्सएप नंबर या जीमेल पे सेंड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि एक होम प्लान बनाने का कुल कितना पैसा होता है। तो जो मिनिमम प्राइस है वह 1 स्क्वायर फीट का 2 रुपये होता है, तो यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का 2000 रुपये होगा। लेकिन आप नए हैं इसलिए आप 1000 या उससे कम भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि कई स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी कमेंट्स आ रहे होंगे कि हम पढ़ाई के साथ साथ कैसे इसको कवर कर सकते हैं या कैसे इसमें टाइम देंगे या पढ़ाई में टाइम देंगे। तो दोस्तों, हम बता दें कि ऐसा नक्शा बनाने के लिए केवल आपको 3 से 4 घंटे पूरे लगेंगे, लेकिन आप डेली 2 घंटे या उससे कम भी इसको वर्क कर सकते हैं और उसको उतने पर ही सेव कर दें और उसे 2 या 3 दिन में इस नक्शे को तैयार करके एक पीडीएफ के रूप में बना लें। और जैसे ही आपके क्लाइंट का फ़ोन आए और उसे ऑनलाइन पेमेंट मिल जाए, तो आपको इसे एक पीडीएफ के रूप में बनाकर उसे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पे उस पर उसको सेंड कर देना है और उसे ऑनलाइन अपनी पेमेंट ले लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप पढ़ाई के साथ साथ हर महीने 4 से 6 हज़ार आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड अपने दोस्तों के पास जल्द से जल्द शेयर करो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और लाते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।